सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग अगर कैसे हैं आप सब, होपफुली आप सब के सब बंदे अच्छे होंगे। तो भाई लोग, इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि जो अभी अपडेट आया था उसके अंदर हमको क्या कुछ नया देखने को मिला, एंड इस वाले अपडेट के अंदर हमारा मतलब अपडेट गेम अपडेट क्यों नहीं हुआ, गेम क्यों नहीं चला, एंड गेम के अंदर जैसा बोला गया था कि हैकर्स बैन होंगे तो क्या हैकर्स बैन हुए, एंड बोला गया था कि पिंग प्रॉब्लम चला जाएगा तो क्या पिंग प्रॉब्लम गया। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं हैकर्स की, ठीक है। तो जैसा कि अपडेट के अंदर नोटिस के अंदर हमको लिखा गया था कि गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो हमको पिंग प्रॉब्लम फिक्स करना है, एंड इसके अलावा हैकर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हमको हैकर्स को भी बैन करना है, तो उनके आईडी को भी बैन करना है। तो चलो मतलब, तो इनके अकॉर्डिंग अपडेट भी आ चुका है एंड गेम भी एकदम फिक्स हो गया है, सभी बंदे गेम भी खेल रहे हैं। तो अभी बात ये आती है कि क्या हैकर्स बैन हो गए हैं? तो मेरे भाई, इसका आंसर है नो। आपको सुनकर बुरा लगेगा, क्योंकि तो आप बोलोगे तो फिर अपडेट्स किस लिए दिया गया था, गेम को क्यों बंद किया गया था, यदि हैकर से बैन नहीं हुआ है तो फिर ये अपडेट्स किस लिए दिया गया था। तो देखो, आपको बताता हूँ कि हैक एक टाइप का नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। हैक होता है ना, वो एक टाइप का नहीं होता। हैक का मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हैक एक टाइप का नहीं होता है। जैसे कि वॉल हैक होता है, गाड़ी वाला हैक होता है, एंड इसके अलावा टेलीपोर्ट हैक होता है, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग हैक होता है। एंड ये जो सारे हैक्स होते हैं ना गाइस, ये सारे के सारे जो गरीना की जो ऑफिशियल कंपनी है ना, उनके पास ये सारे हैक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हैक करके गेम खेलते हैं ना बंदे लोग, ये ऑफिशियल मतलब कौन होते हैं? ये बंदे वो लोग होते हैं जो गरीना के अंदर ही काम करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मोड्स है, सभी बंदों को बताया, तो इंडियन मोड्स कैसे हैं सभी बंदों को पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, उनको ऊपर डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लगभग खुद हैक करके खेलते हैं, तो मेरे को बताओ, यदि वो खुद हैक को बंद कर देंगे तो क्या वो खुद गेम खेल पाएंगे? नहीं ना। तो बेसिकली हमको मतलब वही चीज़ बता रहा हूँ जो एकदम बेसिकली एकदम सही है, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हैक वगैरह बंद नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हैक्स बंद हुए हैं, ठीक है। जो कुछ मतलब हैक्स है, जैसे कि गरीना के सामने कुछ ज़्यादा जिनके बारे रिपोर्ट आ रही थी कि ये हैक्स ज़्यादा हो रहा है, तो उनको बंद किया गया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जो इंडियन मोड्स है गाइस, वो उसको फिर से निकाल देंगे वो हैक्स को, एंड खुद बड़े मज़े से खेलेंगे। एंड गाइस, अभी सेकंड बात करते हैं कि आईडी बैन हुई या नहीं हुई। तो मेरे भाई, आईडी अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली जिसके अंदर आईडी बैन हुई है। बंदे बोल रहे बहुत सारे बंदों की आईडी बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे भाई, बाबा जी का ठुल्लू घंटा है, कुछ नहीं करने वाले ये, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ पे वही चीज़ है, जिसके पास पैसा है वो बंदा मजा कर सकता है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा बोलता है वैसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। गरीना वालों ने बहुत बोला होगा कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यदि वो करना चाहे ना तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन मोड्स है गाइस, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। वो खुद तो गरीना वाले कुत्ते चूतिया है, वो उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि इनको सपोर्ट करो, ये करो, तो वो मतलब खुद ही अपने गेम की बैंड बजाने पर तुले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई। और ऊपर से जो बच्चे लोग होते हैं गाइस, ठीक है, जो इस गेम को देखते हैं, जो इस गेम को खेलते हैं, लगभग ज़्यादा 80% ऑडियंस का जो बच्चे लोग हैं, उनको पता है नहीं कि क्या है कम्युनिटी। उनके हिसाब से जो बंदा 2 डायमंड दे देगा वो उनके लिए किंग है, ठीक है, उनके लिए भगवान है, वो सही है। वो बोल देगा ना कि ये बंदा ऐसा है तो वो बंदा वैसा ही है, चाहे वो बंदा सही हो, ठीक है। ये है अपने इंडिया की कम्युनिटी। तो इसी के टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं बोल रहा कि भाई तू है, नहीं भाई, मैं सभी को बोल रहा हूँ। एंड मेरे को नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, और ना मेरे को किसी के साथ कंट्रोवर्सी करना, मेरे को कोई सीन नहीं, ना मेरे को कंट्रोवर्सी करना, ना मेरे को किसी को ऐसे बताना। मैं जो एकदम रियलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, बंदों को जो रियलिटी है वही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये आप ऐसा मत बोलना कि यू भाई आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, आप मेरे साथ मतलब वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो गाइस, उसके बाद में बात कर लेते हैं अभी पिंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो पहला डिस्कस था हैकर्स का, तो हैकर्स बंद नहीं हुए मेरे भाई। मैं आपको कल ही या परसों वीडियो बना कर दे दूंगा कि भाई ये हैकर्स है, ये देखो मेरे सामने आया, तो वो चीज़ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ, ठीक है, कम हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो छोटे मोटे हैक्स है गाइस, वो बंद हो गए। जो हाईफाई लेवल का हैक्स है वो एकदम अभी वैसे के वैसे चल रहे हैं, बंदे वैसे के वैसे मजे लेके खेल रहे हैं, उनका आईडी भी बैन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं जो सबसे हमारा मेन टॉपिक था गाइस, पिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो बंदों का कहना है कि पिंग प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे भाई, आपका क्या मतलब डिसीजन है, आपको क्या लगता है पिंग प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ? तो मतलब कुछ हद तक सही हुआ, ठीक है, कुछ हद तक सही, मतलब कैसे हुआ कुछ हद तक, जो लो नेटवर्क में खेल रहते हैं, ठीक है, जो बंदे लो नेटवर्क के अंदर खेल रहते हैं उनका पिंग प्रॉब्लम मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ ऐसा हुआ कि उनका थोड़ा बहुत जो पिंग प्रॉब्लम था वो मतलब फिक्स हो गया।
उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत सही हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स हो गया अभी चलेगा मेरे एसएपिंग जाएगा नहीं। जैसे मेरे साथ चल रहा था उससे थोड़ा बहुत इनक्रीज चला, पहले मेरा 70 ऐसे 80 चल रहा था, ठीक है अभी मेरा 50 भी चल रहा है, 70 भी चल रहा था, मतलब कुछ हद तक ठीक हुआ है। एंड रही बात स्ट्रीम की, तो गाइज वही चीज़ मेरा एकदम अच्छा लेवल का नेटवर्क है, लेकिन फिर भी स्ट्रीम के अंदर वही चीज़ बहुत हैवी मतलब नेटवर्क चाहिए। तो मतलब बोल सकते हो कि मतलब वो वाला सीन नहीं हुआ कि पिंग के अंदर जितना इम्पोर्टेंट मतलब हम ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये होगा वो होगा, वो नहीं हुआ, ठीक है। एंड कुछ बंदों के लिए साथ जो बंदे वोडाफोन का नेटवर्क यूज़ करते हैं, मैं उनको स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है, जो बंदे वोडाफोन का नेटवर्क यूज़ करते हैं उनके लिए तो भाई जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है भाई मेरे भाई, उनका तो 250-300 से नीचे नहीं आ रहा, तो पिंग को वही चीज़ मेरे ख्याल से तो कुछ अच्छा इंक्रीज़ हुआ नहीं है। एंड बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आपका पिंग मतलब आपको क्या सा लग रहा है आपका पिंग के साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मेरे को तो मतलब बेटर फील हो रहा है, मतलब हाँ ऐसा बोल सकता हूँ थोड़ा हल्का फुल्का बेटर है, लेकिन उतना ओपी नहीं बोल सकता जितना होना चाहिए, ठीक है। मेरा पहले बहुत सही था जब, ठीक है, आज से मैं 8-9 महीने पहले खेलता था तब गेम एकदम ओपी चलता था, एंड अभी मतलब बहुत ज़्यादा बकवास हो गया गेम, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। तो यही चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि मतलब पिंग का प्रॉब्लम क्या आएगा इस। तो भाई लोग यही सारी कहानी है पिंग को लेकर एंड हैकर्स को लेकर। अब बात करते हैं जो अपना अगला वाला टॉपिक है गाइस, वो है अपडेट के बाद क्या कुछ गेम में नया ऐड हुआ, ठीक है। तो भाई लोग सभी बंदों को पता है मैजिक क्यूब के अंदर एक नया, एक नहीं दो बंडल नए ऐड किए गए हैं। तो बहुत सारे बंदों के एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कहाँ गया आपका प्रेडिक्शन, कहाँ गया आपका बंडल, ठीक है, कहाँ गया हमारा ब्रेक डांसर, कहाँ गया हमारा आर्टिक ब्लू बंडल, मतलब कहाँ गए वो सारे सर बंडल। आपने बोला तो आएंगे लेकिन आए तो नहीं। तो मेरे पास देखो ऐसा है, ठीक है, आपको एकदम रियल चीज़ बताता हूँ। गरीना है ना गाइस, देखो गरीना को चाहिए सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, ठीक है, गरीना के लिए सब कुछ पैसा है। तो वो केवल मतलब गरीना एक ऑफिस, मतलब गरीना आपको सभी पता है गरीना किस चीज़ का है, मतलब कहाँ का है गेम, ये बेसिकली इंडोनेशिया का है। तो गाइस वो आर्टिक ब्लू बंडल वो सब के सब इंडोनेशिया के लिए थे मेरे भाई, ठीक है, वो सब के सब इंडोनेशिया के सर्वर पर दिए गए हैं, सभी सर्वर पर दिए गए केवल इंडिया को छोड़ के, केवल और केवल इंडिया को छोड़ के दिए गए इनका। मेरे को उसका कुछ पता नहीं, आपको सभी पता है कि इंडिया पे हर एक चीज़ मतलब सबसे लेट आता है, एक तो पहली चीज़ सबसे लेट आता है, एंड दूसरी चीज़ मतलब अच्छी चीज़ें तो आती ही नहीं है, अच्छी चीज़ आती है तो बहुत हाई लेवल पे आती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डायमंड्स पे आती है। तो वही सारी चीज़ है, इसीलिए गरीना ने इसको ऐड नहीं किया। गरीना वाले से बात करी, ठीक है, उनको मतलब कुछ मैंने और न्यूज़ ऐसे कलेक्ट करी, तो उसमें यह पता चल रहा है कि गरीना वालों का एक ही चीज़ कहना है कि हम बंडल ऐड कर देंगे। तो मतलब बंडल ऐड कर देंगे इसका मतलब यह है कि आपको बंडल मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको मैजिक क्यूब के मतलब उस पर मिलेगा, ठीक है, मैजिक क्यूब के ऊपर मिलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है आपको स्टोर के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दे डायमंड के मंथले में या कुछ और कर दे या फिर कुछ इवेंट के अंदर दे दे। तो मतलब ये सीन है कि आपको बंडल मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मैजिक क्यूब के अंदर से मिलेगा या फिर कहीं और से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे सीन है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि गरीना वालों ने इसको ऐड क्यों नहीं किया। वही चीज़ बोल रहा हूँ, इंडिया कम्युनिटी यदि अच्छी होती तो यदि इंडिया के जो मोड्स है वो गरीना वालों को बोलते कि हमको ये वाला बंडल चाहिए तो गरीना वालों को ऐड करना पड़ता, लेकिन इंडिया मोड्स को तो वही चीज़ उनको फ्री में डायमंड मिलते हैं तो उनको बाकी चीज़ से मतलब है नहीं, उनको बस खुद से मतलब है, उनको डायमंड मिल जाते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो बाकी दुनिया जैसी कम तैसी कराए उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ है, तो ये चल रहा है अपने इंडिया जो है इसके अंदर, इंडिया की जो कम्युनिटी उस पर यह चीज़ चल रहा है। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि इंडिया की जो कम्युनिटी है गाइस उसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है, उसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड गाइस उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस अगला मिस्ट्री शॉप। तो भाई लोग देखो ऐसी चीज़ है, आपको इसी में एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आपको यहीं पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग मेरे को एक चीज़ मतलब बंदे सपोर्ट करते हैं, ये मैं चीज़ मानता हूँ कि बंदे मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो सब बंदे सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बंदे यार ऐसे भी है जिनको मतलब मेरे को आके एक चीज़ बोलते हैं यू भाई हमको ये गिफ्ट कर दो, यू भाई हमारा टॉपअप कर दो, यू भाई हमको डीजे अलग दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो मेरे भाई यार ऐसा मत कर यार, मत क्या करो यार, मेरे दिल से बुरा लगता है क्योंकि मैं आपकी ये सारी कंडीशन पूरी नहीं कर सकता यार। आपको पता है अपना चैनल वो वाला चैनल नहीं है कि इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम आपकी ये सारी कंडीशन पूरी कर सके मेरे भाई, समझ रहे हो ना आप बात को,
ठीक है। आपको पता है 2000 सब्सक्राइबर कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती, 2000 सब्सक्राइबर बंदे लोग के दिन के अंदर 10-10, 15-15 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं अपने ओवरऑल 2000 सब्सक्राइबर, तो समझ सकते हो ना मेरे भाई। और आप बोलो कि अर्निंग, तो मेरे भाई यूट्यूब से मेरा एक भी रुपया अर्न नहीं होता, ठीक है। मेरे को पता आगे भी नहीं होने वाला, ठीक है, आगे भी आई थिंक कम से 5-6 महीने तो नहीं होने वाला। तो मतलब जितने भी मैं गिव अवे वगैरह करूँगा गाइस, ये मैं सब खुद के पैसों से करूँगा, तो सारी कंडीशन में सारे बंदों की डिमांड्स तो यार पूरी कर नहीं सकता, आप सभी को पता है सारे बंदों की डिमांड्स तो पूरी कर नहीं सकता। तो प्लीज़ यार ये वाली चीज़ें मत क्या करो, ठीक है, ऐसा कमेंट मत क्या करो, दिल से बुरा लगता है मेरे को, ठीक है। आपको मना करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगा इस फटाक से, यदि नहीं किया होगा इस फटाक से कर दो, एंड भाई को यार सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, ठीक है।